फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब आज अपन उसके एप्लीकेशंस चालू कर देते हैं, क्वेश्चंस लिखते जाएंगे और जैसे मैंने समझाया था वैसा ही स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले ये है, पहले नंबर का क्वेश्चन ये है कि एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है। ठीक है, तो मान ले कि देर इज़ अ थिन रॉड। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, देर इज़ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल ऑन विच स्मॉल क्यू चार्ज या कैपिटल क्यू चार्ज लिख दो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड ऑन एक्सियल पोजिशन या एक्सिस, एक्सियल पोजिशन या एक्सिस, दोनों में से कुछ भी। ये क्वेश्चन है, देर इज अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल। क्या बोल रहा है, देर इज अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल। ठीक, थिन रॉड ऑफ लेंथ एल ऑन विच क्यू चार्ज इज प्लेस्ड, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब लीनियर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लंबाई किसकी कितनी है, एल है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है डी, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्लियर हुई बात, एक्सियल पोजीशन, तो बताओ कितना होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 या के लिख दो उसको, क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये के है। लेकिन ये कब लगता है, ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम पे लगता है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब टूटा टूटा। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल, एक ही चार्ज रखा हुआ है, दो चार्ज रखे पर दूरी पर रखे हुए, ऐसे पे लगता है ये। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं लगता। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसा चार्ज फैला हुआ है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई बात। अब क्या करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि एक इसकी छोटी पट्टी कंसीडर करो, इतनी बड़ी एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी विड्थ डी एक्स है। कितनी विड्थ है इसकी, डी एक्स, डी एक्स इसकी विड्थ है। ठीक है, और जो डी एक्स विड्थ का है उसके ऊपर स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज इसके ऊपर कितना है, स्मॉल चार्ज डी क्यू है, डी क्यू उसके ऊपर स्मॉल चार्ज। अब इसके कारण यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ये बोलेंगे कि ऐसे कई सारे टुकड़े, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, ऐसे कई सारे टुकड़े यहाँ तक के इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और जब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो ऐसे सब टुकड़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यदि अपन जोड़ दें तो इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो एक टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, तो पूरा का पूरा हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्या बोला, कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ डी एक्स
एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का पॉइंट तक का एक्स होना चाहिए. कितना होना चाहिए? एक्स इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इस टुकड़े का. ठीक है, ये समझ में आ रहा है बात? ये टुकड़े का बात कर रहा हूँ मैं. इस टुकड़े का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए. जिसकी विड्थ तुमने डी एक्स कंसिडर करी है ना, उस टुकड़े का. अब क्या बोला हमने कि ये इतने डिस्टेंस पे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. इट विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल मेक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. एट पी, पी पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. कितना बनाएगा? तो डी ई, जब भी स्मॉल करना होता है डी लगा देते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी क्यू. डी क्यू क्यों? क्योंकि चार्ज की जगह स्मॉल चार्ज. अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो एक्स ही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर. इट विल मेक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. कौन? इट विल मेक मतलब कौन? स्मॉल पोर्शन विल मेक, स्मॉल पोर्शन विल मेक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. अब तुम्हें क्या रखना है कि इस फॉर्मूले में डी क्यू की वैल्यू रखनी है. तो डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम ये बोलेंगे कि पूरी रॉड, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड कितनी थी? एल थी. देन चार्ज ऑन इट कितना था? क्यू था. यदि लेंथ ऑफ द रॉड 1 मीटर होगी, 1 यूनिट होगी, तो उस पर चार्ज होगा क्यू बाय एल. ये यूनिटरी मेथड कहलाता. और यदि लेंथ ऑफ द रॉड डी एक्स होगी तो उसके ऊपर चार्ज होगा क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स. और यही जो चार्ज इसके ऊपर आएगा, यही तो स्मॉल चार्ज है, यही तो स्मॉल चार्ज है उसके ऊपर. और इस यही स्मॉल चार्ज को तो हम डी क्यू बोल रहे हैं. इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी क्यू. ये डी क्यू ही है. और ये अगर डी क्यू ही है तो इस डी क्यू को उठा के यहाँ रखा जा सकता, रख दो. तो डी डी ई इज इक्वल टू के टाइम्स डी क्यू. डी क्यू की जगह आएगा क्यू बाय एल इंटू डी एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर. ये तुम्हारा आ गया डी ई. डी का मतलब छोटे से पोर्शन ने जो बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो छोटा सा पोर्शन है, ऐसे कई छोटे से पोर्शन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ऐसे करते करते ये पोर्शन बनते बनते सब पोर्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी रॉड बन जाएगी. और पूरी रॉड वहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? तो छोटे छोटे टुकड़े इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, फिर दूसरा टुकड़ा बना रहा है, तीसरा टुकड़ा बना रहा है, सारे मिला के जुड़ जाएंगे. जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा. इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट the above expression. ठीक है, to get total electric field, total electric field. अब इसको इंटीग्रेट करो. तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहां पे लगाया इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डी ई, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के अपॉन एक्स स्क्वायर क्यू अपॉन एल डी एल. इंटीग्रेशन लगा दिया. अब लिमिट्स चेक करें, लिमिट्स चेक करें. तो ये लिमिट्स के लिए यहाँ पे देखो, ये एक्स जब चलेगा ना यहाँ से एक्स, तो सबसे पहले ये हवा में चलता रहा, तो कोई डी एक्स तो आया नहीं ना अभी. ये चलता रहा, सबसे पहले यहाँ पहुँचा तो डी एक्स आया. यहाँ जब पहुँचा तो डी एक्स आया, इसका मतलब इतने एक्स पे डी एक्स आता है. तो इतना एक्स है कितना? डी मीटर लंबा है. सबसे पहले डी एक्स यहाँ पे आता है, और सबसे आखिरी का अपन टुकड़ा कंसीडर करते हैं यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पे आता है, जो कि होता है डी प्लस एल. यहाँ से यहाँ तक कितना? डी प्लस एल. यानी रॉड चालू ही हुई है डी से और रॉड खत्म हुई है डी प्लस एल पर, इसलिए एक्स चालू होगा डी से और एक्स खत्म होगा डी प्लस एल तक. इसका मतलब लिमिट्स बनेगी डी से डी प्लस एल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो यहाँ से नाप रहे हो ना तुम. तुम्हारा नापना कहाँ से? पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तुम्हारा नापना. तो तुमने जब यहाँ नापा, इस जगह पे तुमने यूं करके ऐसे नापा,
तो यहाँ पे तुम कितने पे पहुँचे, एक्स पे पहुँचे, एक्स मतलब डी पे पहुँचे, और यहाँ जब पहुँचे तो डी प्लस एल पे पहुँचे। तो ये लास्ट लिमिट्स समझ में आ गई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। तो इट इज़ एल टू, सॉरी डी से डी प्लस एल तक, डी से डी प्लस एल तक, ये डी प्लस एल है ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डी प्लस एल। चलो लिमिट लगाओ फटाफट, डी से लेकर डी प्लस एल तक। तो यहाँ लगेगी डी से लेके डी प्लस एल तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में जीरो रहता, बाद में ई हो जाता है, इसका तो इंटीग्रेशन ई ही होगा, तो इसका तो कुछ मीनिंग नहीं है, ई लिख दिया। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, के बाहर है, क्यू बाहर है, एल बाहर है, क्योंकि एक्स का ही इंटीग्रेशन होता है, तो के क्यू बाय एल बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बचा 1/x² जिसको एक्स की पावर -2 लिखा जा सकता है, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हमारी है वो है डी से लेकर डी प्लस एल तक। ठीक, अब इसको मैं नीचे ले लूँ तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय एल हो गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता। अब अगर मान लो किसी ने बोला एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ पे एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1 होगा, जो कि एक्स की पावर -1/-1 होगा, यानी कि -1/x होगा, क्योंकि ये नीचे आएगा तो अब प्लस हो जाएगा और माइनस यहीं लगा रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ इसका, ये हुआ -1/x, और फिर हम ऐसा डब्बा लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें जो ऊपर वाली लिमिट होती है ये वाली लिमिट वो यहाँ रख देते हैं और नीचे वाली लिमिट यहाँ रख देते हैं। तो ऊपर वाली लिमिट यहाँ रख दी डी प्लस एल, और लोअर लिमिट जो है वो यहाँ लिख दी डी। अब क्या किया जाता है अगली स्टेप में, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय एल, तो ऐसा कैसे ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो डी प्लस एल है, ये अपर लिमिट जो होती है ना, इसको यहाँ रखते हैं, तो रख दो, तो -1/d+l अपर लिमिट रख दी एक्स की जगह। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया और एक लगाया फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, और उसके बाद हमारा जो बड़ा ब्रैकेट है वो क्लोज कर दिया। और अब की बार क्या करा कि ये जो डी आया ना, इसको एक्स की जगह रख दिया, इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस तो है ही, माइनस तो है ही, वन भी है, और इस एक्स की जगह डी को रख दिया लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह मैंने डी रख दिया है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा देखते हैं। ई इज इक्वल टू के क्यू बाय एल ब्रैकेट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एलसीएम आ गया डी इंटू डी प्लस एल। एलसीएम जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हो। अब ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस डी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस डी प्लस एल। अब क्या किया, माइनस डी से माइनस डी कैंसिल, फिर बचेगा एल, तो ई इज इक्वल टू आ गया के क्यू एल अपॉन, ये एक एल है ही, इंटू डी प्लस एल। अब ये एल से एल भी कैंसिल हो गया, तो के ई का फॉर्मूला आ गया, ई इज इक्वल टू के क्यू, के को अपन 1/4π ε0 लिख सकते हैं, क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, ये इसका फॉर्मूला बना। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड एन एक्सियल पोजिशन फॉर ए रॉड विच इज चार्ज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजिशन फॉर ए रॉड विच इज चार्ज्ड, इसका फॉर्मूला बना, इस वाली रॉड। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखें, यहाँ पे क्या था, ई इक्वल टू 1/4π ε0 क्यूब आर स्क्वायर था ना। ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो इंटीग्रेशन ही आना चाहिए हमको, तो लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक स्टेप में सॉल्व हो जाए। तो ये देखें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा रहा हूँ, शॉर्ट शीरीष सर्स, एक स्टेप हर जगह लगेगी, है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या था कि एक रॉड थी, ये रॉड थी ठीक है, जिसकी लंबाई क्या थी, तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल थी, इससे डी दूरी पर एक पॉइंट चार्ज था। हमसे ये पूछा गया था कि अगर ये पूरी की पूरी चार्ज होगी तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमने बोला कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे पूछा गया था जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से बचने के लिए, इंटीग्रेशन से बचने के लिए
ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं बच पाओगे, बहुत जगह पर ट्रिक लगती है, बहुत जगह पर नहीं लगती। इस क्वेश्चन में तो लगेगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², ये फॉर्मूला होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो चार्ज है ना, इसका डिस्टेंस, इस वाले का डिस्टेंस डी है, उसके आगे वाले का कुछ और डी डिस्टेंस है, उसके आगे वाले का d+l है। इसका मतलब हर चार्ज अलग अलग दूरी पे बैठा हुआ है, जबकि ये दूरी कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी चार्ज अगर एक ही जगह पे बैठा होता तो यहाँ से यहाँ तक आर ले सकते थे, लेकिन चार्ज एक ही जगह पे नहीं, दूसरी तीसरी चौथी हर बार अलग अलग डिस्टेंस पे बैठा है। ऐसे केस में क्या करना है, देखो ट्रिक कैसे लगाना। ई लिखना विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना, क्यू लिखना, इस आर को लिखना आर आर, फिर एक बार लिखना वन, एक बार लिखना टू। इसका मतलब एक बार छोटा डिस्टेंस ले लेना और एक बार उसका बड़ा डिस्टेंस ले लेना। छोटा डिस्टेंस क्या है, डी है, बड़ा डिस्टेंस क्या है, d+l है। तो ये छोटा डिस्टेंस और बड़ा डिस्टेंस ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, छोटा डिस्टेंस डी, बड़ा डिस्टेंस क्या, d+l। बस ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया विदाउट इंटीग्रेशन। देख लो ऊपर भी यही है, ये रहा q/d × d+l, ये q/d × d+l, ठीक है। ये छोटा क्यू लिख दिया ना, कैपिटल क्यू कर देना उसको। क्लियर हुई ये बात? तो ये ट्रिक समझ में आई, कैसी लगी हमारी ट्रिक? कमेंट्स करें कैसी लगी हमारी ट्रिक, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक लगा दें, लेकिन उसके पहले इंटीग्रेशन आना जरूरी है, तो यहाँ से नोट करना चालू करें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें और नीचे ले रहा हूं। और नीचे ले रहा हूं। चलिए ट्रिक नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ है कैसे किया? तो ये वाली जो जगह है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट था, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो d/d+l इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई सी जगह बताऊँ जहाँ पे लगा सकते हैं अपन? तो एक और ट्रिक, मतलब इस चैप्टर का नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि कभी भविष्य में कोई क्वेश्चन आए और इंटीग्रेशन से बचने की इच्छा हो तो तुम लगा सकते हो। देखो बताओ कैसे लगाते हैं, एक और ट्रिक बताता हूँ, मतलब सेम ट्रिक लगाऊंगा दूसरे क्वेश्चन में। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है ये, 10th क्लास में सबने रेजिस्टेंस पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर इस तरीके का कोई सिस्टम दिया है जिसकी रेडियस आर है और उसकी लंबाई एल है, तो उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ(l/A), वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि ऐसा, तो फिलहाल जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, इसलिए आर इज इक्वल टू ρ(l/A) यानी πr² हुआ उसका, ठीक। अब मान लो कि उसने क्वेश्चन बोला है कि जो रजिस्टर है वो कैसा है, वो रजिस्टर ऐसा बना है कि इधर से छोटा है पर इधर से बड़ा है, ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमें निकालना है। यदि इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक R1 हो और यहाँ से यहाँ तक R2 हो, और उसके बाद इसकी लंबाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक L हो, तो अब ऐसे में इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन मैं ट्रिक समझा रहा हूँ कैसे करना, ये फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ(l/A) लिखते हैं अपन, तो ρ(l/A) ये फॉर्मूले की जगह पाई, और एरिया की जगह क्या लिखना, आर आर, और एक बार आर मिनिमम कर देना, एक बार आर मैक्सिमम कर देना, जैसे अपन ने पहले किया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ(l/π), मिनिमम हो जाएगा R1, मैक्सिमम हो जाएगा R2, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। जब जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये ट्रिक काम करेगी, और भी कई जगह पे काम करेगी, तो जब जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो ये नोट कर लें इसको भी अच्छे से, एक जगह पे और काम में आ गई, और भी जगह काम आती है ये, अलग अलग अभी फॉर्मूले जैसे पढ़ेंगे रास्ते में चलते चलते सफर के रास्ते में, तो उस वक्त और भी ट्रिक्स बताते जाएंगे, अब लिख लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखें, दबा लिया ना पॉज, नीचे ले रहा हूँ मैं।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें प्योर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और टफ भी है ये, इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टफ है। रॉड ऐसी है और पॉइंट इधर, अभी तक रॉड ऐसी थी, पॉइंट इधर था ना, तो इस एक्सियल पोजीशन पे थी, अब ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, यहाँ पे रॉड, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, पॉइंट इधर ले लेता हूँ, इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक। तो अब जरा ध्यान से सुनेगा, बहुत ही लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, लास्ट में फिर इसको याद ही रखना पड़ेगा एज अ फॉर्मूला, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इसमें केसेस बनते हैं, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट, इस बहुत सारे केसेस बनते हैं, इसलिए समझना जरूरी है कि लाया कैसे फॉर्मूला। तो क्वेश्चन लिख लें अपन पहले, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ऑन ब्रॉड साइड ऑफ ए लाइन चार्ज। ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा एट ए डिस्टेंस डी आर, वो जो भी है वो तो है ही। इसका मतलब कुल मिला के क्या है कि ये एक लाइन चार्ज है ऐसा, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पी पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है पूरे के ऊपर, ठीक है, ये पूरा चार्ज है। अब ये पूरा चार्ज है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसका मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण क्या होता है, ये इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इसको हमको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा टुकड़ा कंसीडर कर लें। तो ये छोटा टुकड़ा मैंने कंसीडर किया इतना बड़ा, बोलो इसकी विड्थ कितनी ले लूँ मैं, तो डी एक्स ले लेते हैं इसकी विड्थ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी एक्स विड्थ है इसकी, और ये खुद इस जगह से एक्स डिस्टेंस पे है, खुद इस जगह से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस, और हमें जो निकालना है वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस मान लो कि आर ले लेता हूँ या डी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, यहाँ पे निकालना, ठीक। अब क्या करना कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, किस डायरेक्शन में बनाएगा, तो उसके लिए टेस्ट चार्ज लेके आना, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा हम प्लस डेल्टा क्यू लाते हैं, प्लस डेल्टा क्यू पे जो फोर्स लगता है उसी में एक डंडी बढ़ा के बोल देते हैं कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे उठा के एक प्लस डेल्टा क्यू चार्ज लेके आया, अभी हटा दूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ ये प्लस डेल्टा क्यू। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, किस साइड देगा, तो ये इस प्लस को यूँ धक्का देगा इधर, तो ये जिधर भी धक्का देगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उधर ही जो है उसका फोर्स भी होगा। तो इसका मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट के कारण वो इस तरफ होगा, ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण वो किधर होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बोलेंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया। क्लियर है किसी को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया, पॉइंट चार्ज हटा दूँ, अब पॉइंट चार्ज हटाने के बाद मैं लाइन लिख दूँ, बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन बना दी ये, और ये बोल दिया कि भाई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है एंड इट इज़ डी ई। डी क्यों, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया तुमने, सबसे पहले टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा उसी को तुमने बोल दिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर से समझे, पहली स्टेप क्या ली मैंने, ब्रिंग टेस्ट चार्ज प्लस डेल्टा क्यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट, ब्रिंग टेस्ट चार्ज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बेसिकली किसी एंगल पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने एंगल कंसीडर किया, उसको बोला थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये देखें कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हुआ जिसका नाम होगा डी ई कॉस थीटा,
और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जिसका नाम होगा डीई साइन थीटा। इस डीई के ही दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया डी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया डी साइन थीटा। ठीक है, अब जब इसके कंपोनेंट्स हो गए तो इसमें से दो कंपोनेंट को हमने इसको वाले को बोल दिया इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स, तो इसको बोल दिया मैंने डी ई एक्स कंपोनेंट और इसको मैंने बोल दिया डी ई वाई कंपोनेंट। इसी के दो कंपोनेंट्स हो, चलो ठीक, अब उसको बाद में देखेंगे, पहले वापस इधर आ जाए। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो दिस विल बी द डिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, दिस अंडर रूट ऑफ क्या डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी बना, डी ई इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, तो वो बनाया इसने डी एक्स ने बाय डी एक्स, जिसके ऊपर चार्ज कितना है इतने हिस्से के ऊपर, तो स्मॉल चार्ज है इसके ऊपर, और स्मॉल यदि चार्ज है तो स्मॉल चार्ज को अपन क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं कि डी क्यू लिखते हैं, तो डी क्यू लिख दिया, तो स्मॉल चार्ज डी क्यू है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डी एक्स इज डी विच इज इक्वल टू 1/4π ε₀ इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ये आया के की डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से वो कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमने क्या किया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बनाएंगे अपन, नोट कर लें आप लोग, क्योंकि फिर मैं नीचे ले जाऊंगा इसको, देखें नोट कर लें यहाँ तक, ये वाला फॉर्मूले तक नोट कर लीजिए। अब इसमें इंटीग्रेशन का कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना इसके अंदर इंटीग्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, वो कैसे करने पड़ेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये जो डी स्क्वायर है इसके टर्म्स में हमको सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ये डी है ये एक्स, ठीक है, मुझे एक्स और डी में एक रिलेशनशिप चाहिए, तो ये डी ये एक्स और ये थीटा में क्या कोई रिलेशन निकल सकता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल को मैं फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में यदि ये एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा का रिलेशन बन रहा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इज एक्स एंड बेस इज डी, इससे मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स क्या हो गया डी टेन थीटा, आई बात समझ में, एक्स क्या हो गया डी टेन थीटा। ठीक, अगर मैं इसको इस एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो मुझे मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी, और टेन थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, इससे मुझे एक डी एक्स की वैल्यू मिली कि डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मुझे काई की वैल्यू मिली, डी एक्स की वैल्यू मिली। ठीक, चलो अब यहाँ पे आ जाओ वापस, ये इक्वेशन नंबर वन थी हमारी, इक्वेशन नंबर वन में तुम्हें डी क्यू की वैल्यू डालनी है, डी क्यू चार्ज की, तो उसने चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कुछ चीज दे रखी है कि चार्ज डेंसिटी है लेमडा, चार्ज डेंसिटी यदि लेमडा है तो उसकी ऊपर चार्ज होगा लेमडा डी एक्स। अब ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि पिछला पूरा लेक्चर इसी पे दिया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इफ चार्ज डेंसिटी
इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, देन चार्ज ऑन स्मॉल पोर्शन इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स. ये पिछली क्लास में अच्छे से समझाया गया है कि ये डी क्यू क्या होता है, तो लेमडा डी एक्स होता है. ठीक है, इंटीग्रेशन के बेसिक्स में बताया था. अब लेमडा यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ जाएगा. चार्ज पर यूनिट लेंथ में छोटी लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ जाएगा. अब ये जो डी क्यू है इसकी वैल्यू, उसके बाद ये जो एक्स है इसकी वैल्यू, और उसके बाद जो डी एक्स आएगा उसकी वैल्यू, सब हमको पुट करनी है इसमें. लेकिन पहले अपन ये वाली पुट कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाली. तो पुट इन वन, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, पुट इन वन कर दो. पुट इन वन, वन से तुमको मिलेगा डी ई इज इक्वल टू के टाइम्स, डी क्यू की जगह मैंने लिखा लेमडा डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक मिला. ठीक, ये जो आया है इसको बोल दो टू, बोल दो इसको कुछ भी बोल दो, इसको बोल दो टू. अब जो टू आ गया उसमें वन और टू ये दोनों वैल्यूज इस टू में डालनी है. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज किस में डालनी है, इस टू में डालनी. अब तुम कॉपी में उतारते हो तो उसको कैसे उतारते हो समझ लेना, इनको पुट करनी है इसके अंदर. तो ये लिखा मैंने डी ई इज इक्वल टू के इन टू लेमडा. अब डी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो डी एक्स यहाँ पे लिखूंगा तो वो आएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन में नीचे है डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू भी डालनी, एक्स स्क्वायर ये एक्स की वैल्यू, डी टेन थीटा यहाँ डालनी. तो यहाँ डाल दो तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. यहाँ तक समझ में आई बात. इससे तुम्हें मिलेगा डी ई विच इज इक्वल टू के इंटू लेमडा इंटू डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. क्या पता है तुमको कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे सेक्स स्क्वायर थीटा. तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, इसकी जगह सेक्स स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा और ये सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, एक मिनट, वन प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा हाँ कैंसिल हो गए, बिल्कुल सही हो गए, क्योंकि अब उसके बाद k इंटू लेमडा इंटू डी, हाँ डी से डी भी कैंसिल कर दो, एक कर दो, तो अपॉन में डी इंटू डी थीटा आ गया. ये आया हमारी इक्वेशन नंबर तीन. अब ध्यान से समझे, ये क्या चीज थी, डी क्या था, डी इलेक्ट्रिक फील्ड था उस छोटे से वायर के कारण उस पॉइंट पे. ठीक है, अब उस छोटे से वायर के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये डी, यानी ये निकला अभी अपना ये डी. तो जो डी निकला उसके वास्तविकता में दो कंपोनेंट है, एक ये और एक कंपोनेंट है ये. अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में निकालनी है तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और तुम्हें यदि इस दिशा में निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो अब डी ई एक्स, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी साइन थीटा. तो अगर मैं x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो d cos थीटा डालना पड़ेगा, तो ये d आ गया. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस बोल दो या हॉरिजॉन्टल बोल, इज d cos थीटा विच इज इक्वल टू डी एक्स बोला था मैंने उसको, तो इसको मैंने बोला डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू डालो इसमें तो वो है के लेमडा बाय डी इंटू कॉस थीटा और साथ में डी थीटा, ये आ गई तुम्हारी डी ई एक्स. ठीक है, क्या आ गई भाई, डी ई एक्स, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स दिशा में. ठीक, लेकिन उस स्मॉल पोर्शन के कारण है, इट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन. अब अगर अपन उसी के पोर्शन के कारण वाई के लिए निकालें तो इसको मैं इक्वेशन ए दे देता हूँ, ए कुछ भी दे दो, 4, 5, 6. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
स्मॉल पोर्शन अलोंग कौन सी एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, इज डी ई वाई विच इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, वाई एक्सिस पे साइन थीटा आया था। अब इसके अंदर ये वैल्यू उठा के पुट करो डी ई की, यहाँ से अरे यहाँ से यहाँ पुट करो, ठीक है, तो ये पुट करो तो ये हो जाएगा डी ई वाई विच इज इक्वल टू डी ई की जगह के लैम्डा, कॉस थीटा की जगह यहाँ पे साइन थीटा हो गया, अपॉन में क्या हो गया डी हो गया, और साथ में डी थीटा हो गया, ये आ गया अलोंग कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस छोटे पोर्शन के कारण अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब तुम्हें यदि एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन चाहिए, पूरी एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए को इंटीग्रेट करूँगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा डी थीटा, ये मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस दे देगा। इसमें डी हट गया, यहाँ से डी हट गया, ये डी हट गया, इंटीग्रेशन कर दिया ना मैंने, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो हट गया। अब इसका इंटीग्रेट करना है, लेकिन लिमिट्स लगा लो पहले, लिमिट्स लगा लो, लिमिट्स के लिए ऊपर चलना पड़ेगा, थीटा की लिमिट्स लगानी है, थीटा की लिमिट्स लगानी है, तो यहाँ थीटा देखो, थीटा जो है वो जब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो उस केस में जब अपन वायर को यूँ मिला देंगे तो ये थीटा कहलाएगा, और इस वाले वायर को इधर मिला देंगे तो इधर साइड भी थीटा होगा। तो लिमिट्स लगाते वक्त एक चीज़ ये ध्यान रखना कि तुमने ये लिया किस तरफ था, नीचे की तरफ लिया था ना, ये देखो एरो किधर था मेरा, नीचे की तरफ एरो था थीटा लेते वक्त, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव थीटास और ऊपर की तरफ निगेटिव थीटास, इधर की तरफ पॉजिटिव थीटा, इधर की तरफ निगेटिव, क्योंकि इनिशियली तुमने जिधर लिया है उधर पॉजिटिव, उधर उसके अपोजिट निगेटिव। तो अब इसके लिमिट्स फिर से मैं यहाँ पे बनाऊँगा नीचे, ठीक है, ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। वो लिमिट्स ये बनाने हैं कि ये इस तरीके का वायर था, ठीक है, और हमने जो उसको पॉइंट लिया था वो यहाँ कहीं था, ये कहीं भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ भी पॉइंट ले सकता हूँ। अब पॉइंट जब लिया तो उसके अंदर एक छोटा टुकड़ा मैंने जब यहाँ कंसिडर किया तो उस छोटे को जब मैंने यहाँ जोड़ा और यहाँ से यूँ जोड़ा तो मुझे ये थीटा था, मेरे लिए ये थीटा था। अब वायर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वायर का एंड ये है, इसका मतलब थीटा की जो लिमिट्स होंगी वो यहाँ से यहाँ तक होंगी, ठीक है, इस वाले वायर से जहाँ से स्टार्ट हुआ है से लेके जहाँ पे एंड हुआ है तक लेना है, ये मिड पोर्शन का dx नहीं लेना, मिड पोर्शन का dx का थीटा था। तो अब यहाँ तक मान लें कि वो एंगल है अल्फा, यहाँ तक का एंगल कितना अल्फा, और इधर साइड नापते हैं तो इधर साइड से इसी एक्सिस से इधर साइड इधर एरो बना के नापते हैं तो उस वाले केस में होता है बीटा। तो ऐसे केस में अल्फा तो इस एंगल की दिशा में ही नापा तुमने नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसलिए अल्फा को हम बोलेंगे इट इज पॉजिटिव, और बीटा जो लिमिट्स में डालेंगे तो उसको निगेटिव डालेंगे क्योंकि अपोजिट में है उसकी, ठीक है। तो ये जो लिमिट्स इसकी बनेगी ये प्लस अल्फा से स्टार्ट होके माइनस बीटा पे ख़त्म होंगी, प्लस अल्फा से स्टार्ट होके माइनस बीटा पे, क्योंकि अल्फा इस साइड है और बीटा अपोजिट साइड है उसकी, ठीक। तो लिमिट्स बन गई, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ई एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉन्स्टेंट्स बाहर हो जाते हैं, के लैम्डा बाई डी का कुछ नहीं होना, बाहर हो गया, इंटीग्रेशन किसका होना है कॉस थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे लिमिट्स मुझे अल्फा से लेके माइनस बीटा रखनी है। अब तुम्हें ये तो पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है या कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा नहीं होता, ये डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है ना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया साइन थीटा, अब लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद जो इसकी अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट वो ऊपर लिख दी जाती है और लोअर लिमिट जो है वो यहाँ लिख दी जाती है, तो माइनस का बीटा और यहाँ पे हो गया अल्फा, अब वैल्यू डाल दो तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी। अब अपन क्या करते हैं कि अपर लिमिट को पहले यहाँ रखते हैं,
फिर माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट को इसमें रखते हैं। तो अपर लिमिट को यहाँ रखा तो साइन, और फिर उसके बाद एक माइनस लगाते हैं, फिर इसके अंदर फिर से लिखते हैं साइन, और फिर लोअर लिमिट लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब अपर लिमिट लगानी है यहाँ पे माइनस बीटा और लोअर लिमिट लगानी है अल्फ़ा। ये तो फार्मूले का माइनस है, इसका तो कुछ होता ही नहीं, ऐसे ही रहता है हमेशा। सिर्फ तुम्हें क्या करना, थीटा को रिप्लेस करना। थीटा को रिप्लेस करने के बाद एक बार तुम्हें ऊपर वाली लिमिट, एक बार नीचे वाली, तो इससे तुम्हें ई एक्स मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू के लैम्डा बाई डी। ये हो गया माइनस साइन बीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, और ये वाला जो है ये हो गया माइनस साइन अल्फा। ठीक है, इट इज़ ई एक्स विच इज़ इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के लैम्डा बाई डी, ब्रैकेट में क्या आया, दोनों माइनस प्लस हो गए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये इसकी वैल्यू है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नाम की जो वैल्यू है वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ उसका डायरेक्शन दिखा रहा, माइनस साइन क्या दिखा रहा, उसका डायरेक्शन। ये वाला जो है ये फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, इसका माइनस हटा देते हैं, मॉड लगा दो तो इसकी माइनस वैल्यू हट जाएगी, ये माइनस वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन हमें वैसे ही पता पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस के लिए भी एप्लीकेबल है फॉर्मूला, माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है फॉर्मूला, तुम डायरेक्शन वहाँ पर खुद ही निकाल लेना। चलिए ऊपर ले लूँ मैं इसको, अब इसके अंदर एक और हाथ के हाथ ही नीचे वाला जो y वाला है वो भी इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पे इंटीग्रेट किया ना, ये कौन सा किया है तुमने, x वाला इंटीग्रेट किया है ना अभी, इंटीग्रेशन अलॉन्ग x एक्सिस, अब इंटीग्रेशन अलॉन्ग y एक्सिस, तो टू फाइंड द स्मॉल पोर्शन अलॉन्ग y एक्सिस, तो अब x एक्सिस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पे निकाली थी ना, ये वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस निकाली अपन ने। ठीक है, अब ऐसे ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस भी निकलेगी, तो वो भी निकालें। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस, y एक्सिस के अलॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस केस में तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलॉन्ग y एक्सिस। किसको इंटीग्रेट करोगे भाई, इसको करोगे, इसको डी वाई के लैम्डा साइन थीटा बाय डी इंटू डी थीटा। ठीक है, डी ई वाई के लैम्डा साइन थीटा अपॉन डी इंटू डी थीटा, के लैम्डा साइन थीटा बाय डी, के लैम्डा साइन थीटा बाय डी, थीटा बाय डी, के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाय डी, के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाय डी, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स वही हैं जो पहले थी, वो कितनी थी, अल्फा से लेके माइनस बीटा तक, तो अल्फा से लेके माइनस बीटा तक इंटीग्रेशन करें, तो अल्फा से लेके माइनस बीटा तक इसका ई वाई आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू के लैम्डा बाई डी है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा लिखने के बाद ऊपर अपर लिमिट बीटा और नीचे लोअर लिमिट अल्फ़ा, वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, अब यहाँ पे डालोगे तो माइनस कॉस माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा है ना, कॉस थीटा ही होता है ना, कॉस माइनस खा जाता तो वो प्लस ही दे देता, लेकिन आगे वाला माइनस लगा रहेगा, आगे माइनस माइनस लगे रहेगा, तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी और ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हो जाएगा। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसके डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन। अब एक एक्स के डायरेक्शन में आ गई, एक वाई के डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, ये एक्स के डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन। अब क्या करना है कि जो इक्वेशन आई है ये फाइनल इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये वाली पहली, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, वन टू तो दे ही दिया अपन ने, पी दे दो उसका नाम, ये पी, और ये वाले का नाम दे देता हूँ क्यू, इस इक्वेशन का नाम क्यू है, ये फाइनल इक्वेशंस। तो अगर लॉन्ग एक्स एक्सिस पूछा हो तो ये आ जाएगा, लॉन्ग वाई एक्सिस पूछा होगा तो ये आ जाएगा, लेकिन उसने टोटल पूछ लिया हो तो, टोटल पूछ लिया होगा तो तुम्हें ये पता है कि कोई से भी वेक्टर में एक ही फॉर्मूला लगता है पूरे फिजिक्स में, अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम है और हमें वाई की वैल्यू मालूम है
तो हम इस तरीके से वेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ लिख देता हूं कि टू फाइंड कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में पुट करके अपन पी और क्यू की वैल्यू, यानी कि ई वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट करनी है, कहाँ पे ई वाई की वैल्यू यहाँ से इधर पुट करनी है, और ऐसे कैसे ऊपर से ई एक्स की वैल्यू ले आना, कहाँ से लाओगे यहाँ से, ये ई एक्स की वैल्यू लेके आना और फिर यहाँ पे पुट करोगे नीचे, तो ये दोनों वैल्यूज़ जब पुट करके सॉल्व करेंगे तो ई आ जाएगा, जो कि अपन करने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला, ठीक है। और इस तरीके से वो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बीच का कुछ पार्ट पूछ सकता, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है। अब अगर वो पूछेगा कि ये तो बता दो बनेगी किधर, डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो डायरेक्शन यहाँ पे देखें कैसा होएगा, निकालना कैसा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू लाना, प्लस डेल्टा क्यू, तो ये प्लस इसको धक्का देगा इधर, और ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो अब हमें एंगल बताना पड़ेगा किस एंगल पे, तो ये थीटा बताना पड़ेगा ना, तो थीटा बताना पड़ेगा। तो ये एक लाइन देखो, ये देखो और ये देखो, अब मैं इसको क्या करूँगा, नीचे बनाऊँगा ऐसा का ऐसा फिर से, ठीक है, उससे मैं उसका एंगल निकाल दूँगा। तो एट विच एंगल, किस एंगल पे लगाना है, तो याद करो कि कैसे डायग्राम बनाया था हमने, ये वाली हमारी लाइन थी और हमने क्या किया कि इस लाइन को पे इस जगह पे हमें पी लिया था, और हमने बोला था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाला है वो अगर अपन यहाँ से वायर्स यूँ ज्वाइन कर देंगे प्लस डेल्टा क्यू, तो इस डायरेक्शन में बनेगा, जिसमें से ये वाला डी ई था और ये वाला डी ई था जो कि वाई था और ये वाला एक्स था, ठीक है। और एंगल थीटा कौन सा था, तुमको याद है एंगल थीटा कौन सा था, तो हमने यूं लाइन खींची और हमारा जो एंगल थीटा था वो यहाँ बन रहा था, कहाँ बन रहा था, नीचे लिया था हमने, ऊपर लिया था टेंगल थीटा, यहाँ लिया था थीटा, ठीक है, यहाँ लिया था थीटा, तो हमारा थीटा जो है वो यहाँ था। अब ये थीटा है तो ये थीटा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो, तो यहाँ पे इतने हिस्से का ट्राइंगल अलग से बनाया जा सकता है, तो इतने हिस्से का ट्राइंगल यदि बनाना होगा तो एक लाइन ये गई, एक ये गई और एक ये गई, और ये लाल थीटा यहाँ पे लाल थीटा, ठीक है, इसी का बना रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल। अब ये जो डी है ना, इसको यहाँ लिखा जा सकता है डी ई एक्स, और ये वाला ऊपर की दिशा में है ना, तो ये ऊपर की दिशा में, तो यहाँ पे डी ई वाई लिखा जा सकता है। अब तुमसे कोई पूछे कि टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा डी ई वाई अपॉन डी ई एक्स विथ एक्स, नीचे वाले के साथ एंगल बनता हमेशा, जो भी नीचे एक्स ले लोगे तो एक्स के साथ, वाई ले लोगे तो वाई के साथ, तो नीचे वाले के साथ विथ एक्स, ठीक है, नीचे वाले के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, के साथ एंगल बनता, ठीक है। कभी कभी उल्टा कर देते हैं तो वाई के साथ आ जाता है, अभी फिलहाल एक्स के साथ है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे, तो टेन थीटा, अब तुम्हारा जो इंटीग्रेटेड वैल्यू भी डाल सकते हो तुम, ई वाई अपॉन ई एक्स भी डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा, इतने एंगल पर लगेगा। तो देखो ये ई वाई और ई एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है, ई वाई और ई एक्स की वैल्यू तुम इस फॉर्मूले में डालना, फिर से डालनी पड़ेगी वो वैल्यूज, तो उससे जो है तुम्हें पता पड़ जाएगा किस एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और तुम इसको टेन इनवर्स भी कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई वाई बाई ई एक्स विथ एक्स एक्सेस, या फिर अगर बदलना चाहो तो क्या करो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा की जगह कुछ और शब्द ले लो, अल्फा ले लो या बीटा ले लो या गामा ले लो या फाई ले लो, विच इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ई वाई अगर लोगे तो इट विल बी विथ वाई एक्सेस आ जाएगा, ये वाई एक्सिस के साथ आ जाएगा, एक्स एक्सिस, जनरली अपन एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं, बाय डिफॉल्ट यही निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर निकल जाए, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा नन्ना सा डेरिवेशन, ठीक है, नन्ना सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला था लास्ट में, तो मैं याद ही रखना पड़ेगा उसको, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लिख लें यहाँ से, पॉज का बटन दबाएं, लिखें, नीचे ले रहा हूँ मैं,
पॉज का बटन दबाए लिखें। और नीचे पॉज का बटन दबाए लिखें। और नीचे ले रहा हूँ, दबाएं पॉज का बटन। चलिए और नीचे ले रहा हूँ मैं, दबाए पॉज का बटन। चलिए नीचे दबाएं पॉज का बटन। पॉज के बटन पे निशान लगा के विजय बनाएं इसको। चलिए पॉज का बटन दबाएं। ये आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है ये बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, रॉड के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चार्ज्ड रॉड के क्वेश्चन आएंगे। चार्ज रॉड के यदि क्वेश्चन आएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करने। पहला एंड ऑन पोजीशन पे आता है। एंड ऑन पोजीशन में जो चार्ज रॉड रहती है वो किधर रहती है, इधर साइड रहती है। और तुमसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम ये बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि ये पूरी की पूरी जो है वो क्या है, चार्ज्ड है, ठीक है? तो हम ये बोलते हैं कि इसकी लंबाई बता दो, तो उसने बता दिया इसकी लंबाई एल है। और हमने पूछा इसका डिस्टेंस बता दो, तो हमने बोल दिया डिस्टेंस डी है। अब इसको करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, तो ये क्वेश्चन तो हम ट्रिक से कर देंगे। ट्रिक याद आ रही है क्या थी, अभी तो समझाई थी। सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q/r² होता है। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं, इस आर स्क्वायर को हटा के इसको R1 R2 कर देते हैं। और फिर R1 R2 में एक वैल्यू जो है वो ये ले लेते हैं, R1, और R2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है 1/4 pi epsilon naught Q/d, सबसे छोटा, और d+l सबसे बड़ा। ये आ गया। और किस दिशा में आएगा, तो अगर मान लो कि पूरी की पूरी रॉड पॉजिटिव है तो यहाँ पे तुमको क्या करना, +ΔQ लेके आना है। +ΔQ, इसने इसको धक्का दिया इस साइड, और जिस साइड धक्का दिया उसी साइड फील्ड लग गया। और अगर ये रॉड निगेटिव होती तो ये खींच लेता, तो इधर साइड फील्ड आ जाता, ठीक है? तो ये एंड ऑन पोजिशन पे तो हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया, इतना याद रखना। अब सेकेंड नंबर पे है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में क्या होगा कि अगर तुम्हारी रॉड ऐसी है, कैसी रॉड है भाई, ऐसी रॉड है यदि, तो उस वाले केस में ब्रॉड साइड ऑन कहलाता है। तो ये रॉड ले ली मैंने ऐसी। रॉड लेने के बाद ये याद रखना कि ये पूरी की पूरी कैसी है, चार्ज है, तो ये चार्ज कर दी भाई। अब इसका पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पे कहीं, ठीक है? अब ये ध्यान रखें, इट इज़ नॉट द मिड पॉइंट, ठीक है? तो केस वन बना रहा हूँ, नॉट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट द मिड पॉइंट, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा अल्फा, ये अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा ऊपर वाले एंगल बीटा के बराबर नहीं होगा। और जब ये अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा तो इसके कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे इस पॉइंट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो कितना आएगा, तो उसको बोलना कि एक्स दिशा में भी आएगा, वाई दिशा में भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा कुछ टेढ़ा था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़े के दो कंपोनेंट्स हो गए थे। ये ऐसा था ना इलेक्ट्रिक, अरे ये कहाँ, थोड़ा नीचे से लेना चाहता हूँ मैं इसको। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था टेढ़ा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो गए थे, एक इधर भी था एक इधर भी था। इसका मतलब ई एक्स कंपोनेंट भी जिंदा था, ई वाई कंपोनेंट भी जिंदा था, ये कंपोनेंट भी आएगा, ये भी आएगा, तो दोनों के फॉर्मूले आएंगे। और ये वही है जो अभी अपन ने डेराइव किया, ठीक है? ये नो नॉट एट द मिड पॉइंट, पॉइंट इज नॉट एट द मिड पॉइंट, यही वाला केस अपन ने डेराइव किया। तो इसके अंदर ई एक्स और ई वाई की जो वैल्यू आई है उसकी मॉड वैल्यूज अपन यहाँ रख दें। यहाँ पे मॉड वैल्यूज है ना, सिर्फ वैल्यू वैल्यू, और एंगल तो बाद में निकाल ही लेते हैं। तो उसकी जो वैल्यूज आई थी, तो याद हो तो ये यहाँ पे आई थी, ठीक है? वाई की आई थी cos α - cos β, और एक्स की आई थी sin α + sin β। एक्स में sin α + sin β, और वाई में cos α - cos β।
ठीक है, तो ये आया था इसका आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपॉन डी ब्रैकेट में एक्स में आया था कॉस, ठीक है देख लें एक बार, एक्स में क्या आया था कॉस, नहीं वाई में आया था कॉस, तो एक्स में आया था साइन, एक्स में साइन अल्फा साइन बीटा और वाई में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, वाई में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और एक्स में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये दो फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और लेमडा बाई डी, डी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी डी, ये डिस्टेंस डी था उस पॉइंट पी का इस लाइन चार्ज से। ये दो फॉर्मूले याद रखने, तीसरा एंगल का फॉर्मूला याद रखना, वो तो सिंपल है, टेन थीटा इज इक्वल टू ई ऑफ वाई अपॉन ई ऑफ एक्स विथ एक्स, ठीक। अब मान लो कि थर्ड केस में रॉड ही है और वो ये मिड पॉइंट, ठीक है ये रॉड है लेकिन ये क्या है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के केस में क्या करोगे, मिड पॉइंट के केस में बिल्कुल बीच में से जाए, बिल्कुल बीच में से जाएगा तो उस समय अल्फा और बीटा बराबर होंगे, तो अल्फा किसके बराबर होगा बीटा के, अल्फा यदि बीटा के बराबर हो गया तो इस वाले केस में यहाँ देखो ई एक्स में डालना, ई एक्स, अल्फा बीटा बराबर हो गया तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है ना, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा है ना, 2 sin अल्फा हो जाएगा ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई डी और साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या होगा 2 sin अल्फा अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर है, तो ये तो आ गया, लेकिन वाई में 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा जब बीटा के बराबर होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये ना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है अगर ये रॉड पॉजिटिव है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इस वाली डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ही होगा। उसका रीज़न भी है कि कैंसिल आउट हो गए थे कंपोनेंट्स, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना ये वाला, ये इस वाले से कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन इधर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट नहीं होते इसलिए इस साइड में आ जाता है, तो एक्स ई एक्स ही आएगा और ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, ये इसका मिड पॉइंट का, ये फॉर्मूला भी याद रखना तुमको, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे याद रखना है, चौथे नंबर पे याद रखना है कि मान लो कि वायर इनफाइनाइट है, इफ द वायर और रॉड इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जब भी वायर होगा, ठीक है, तो मान लो कि मैंने बोला कि ये इतना बड़ा वायर है यहाँ से यहाँ तक का, या फिर ये वायर है, अब ये वायर का जब एंगल लेते हैं तो अपन मिड से लेते हैं, तो जब इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो इनफाइनाइट लॉन्ग में मिड ही आएगा हमेशा, क्योंकि इन्फिनिटी जो रहती है वो इधर भी इन्फिनिटी रहती है इधर भी इन्फिनिटी, तो उसका हर पॉइंट मिड पॉइंट होता है, चाहे तुम ये वाला पॉइंट ले लो चाहे ये वाला पॉइंट ले लो मिड ही होगा, क्योंकि इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में एवरी पॉइंट इज मिड पॉइंट, पॉइंट इज मिड पॉइंट्स, सोचो क्या बोल रहा हूं मैं, इन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब भी आएगा हर पॉइंट ही मिड पॉइंट होगा, हर पॉइंट ही मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो एक्स डायरेक्शन में आएगा तो ये एक्स डायरेक्शन में आया वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई डी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखें कि जब अपन इन्फिनिटी पे पहुँच जाएंगे ना तो ये वाला जो एंगल है ये बढ़ेगा, जैसे अपन यहाँ तक जाते हैं तो ये एंगल इतना होता है, अगर मान लो मैं इससे ऊपर चला जाऊँ तो फिर ये वाला एंगल और बढ़ जाता है ना, तो ऐसे अगर मैं ऊपर जाता जाऊँगा पॉइंट लेके और पॉइंट ऊपर लेके चला जाऊँगा तो उस वाले केस में ये वाला एंगल तो और बढ़ जाएगा ना, और ये बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पे पहुँच जाएगा जब अपन इन्फिनिटी पे पहुँच जाएंगे, तो क्योंकि ये वाली लाइन स्ट्रेट हो जाएगी,
ठीक है, ये वाली लाइन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसे एंगल और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा तो 90 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक 90। तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, इधर भी 90 हो जाएगा, रॉड इधर भी इन्फाइनेट है, दोनों तरफ 90 हो जाएगा, तो यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, sin 91 होता है, sin 91 होता है, तो EX हो जाएगा 1/4π εo sin 91, 91 1+1 = 2, तो 2λ/d। ये फॉर्मूला आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला, ठीक है, इस पूरे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही जनरली यूज में आता है। अब उसके बाद एक और केस बनेगा, उसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। ये सारे केस ब्रॉडसाइड अर्म के ही हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है कि जो वायर रहता है उसमें हमारा पॉइंट जो रहता है, ठीक है, वो यहाँ रहता, और वायर इधर तो ख़त्म हो जाता लेकिन इधर इन्फिनिटी तक रहता, तो इधर साइड तो एंगल बनता नहीं, तो इधर वाला जो बीटा था ना वो तो 0 हो जाता, लेकिन उसका अल्फा बनता, क्योंकि अल्फा तो यहाँ का एंगल है, ये वाला एंगल है, और अल्फा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, तो अल्फा 90 डिग्री हो जाता क्योंकि इन्फिनिटी तक चला गया। अब हम इसमें अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे, ठीक है, किस में रखोगे, दोनों में, अल्फा इक्वल टू 90 एंड बीटा इक्वल टू 0, तो ई एक्स में रखेंगे, ई वाई में भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ सिमेट्री के कारण कैंसिल आउट नहीं हुआ है, ये बात समझ में, सेमी इन्फाइनाइट में सिमेट्री है ही नहीं, तो सिमेट्री के कारण कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसमें इधर साइड वायर है ही नहीं, तो सिमेट्री कहाँ आएगी इसकी, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ई एक्स भी आएगा, ई वाई भी आएगा। अब ई एक्स और ई वाई में, एक में 90 एक में 0 रख देना, तो ई एक्स और ई वाई ये जो है ना, इसमें एक में 90 रख देना, यहाँ पे एक में 0 रख देना, यहाँ पे 90 रख देना, यहाँ 0 रख देना, माइनस प्लस का चक्कर मत सोचना, वो तो अपन उसी वक्त डायरेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे तुमने 0 रख दिया, इधर 90 रख दिया, तो sin 91 होता है और sin 00 होता है, इसका मतलब 1 बचा, 1 बचा मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया, तो इतना ही बचा इस वाले केस में, और यहाँ पे 90 रख दिया, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, इसका मतलब इस वाले केस में भी क्या हुआ, यही का यही बचा लेकिन माइनस में बचा, माइनस से तो ये बताता है कि डायरेक्शन इधर होगा, वैल्यू वाइज अपन माइनस लगाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे 90 रखने से और यहाँ 0 रखने से sin 0 = 0, sin 90 = 1, तो बचा ये, और यहाँ 0 रखने से 1 आ गया और ये 90 रखने से 0 हो गया, नहीं दोनों एक ही बात हो गई, तो यही बचा, तो 1/4π εo λ/d बचा, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में, तो इससे बचेगा, बनेगा 1/4π εo λ/d, और ये इसकी मॉड वैल्यू है और इसकी भी मॉड वैल्यू यही आएगी, 1/4π εo λ/d। अब वो बोलेगा कि ये एक्स में है ये वाई में है, तो ये तो बताओ कि सही में नेट क्या है, तो नेट के लिए मैंने फॉर्मूला ये वाला बताया था तुम्हें, पूरी फिजिक्स में एक जैसा लगता है, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और जब ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो √2 टाइम्स ही हो जाता है, मतलब तुम इसको रखो इसके अंदर, फिर इसको रखो और फिर कॉमन निकालो, ये सब करोगे तो तुमको ये पता पड़ेगा कि √2 टाइम्स हो जाता है किसी एक का, और किसी एक का मतलब क्या, 1/4π εo λ/d का, तो ये वाला बनेगा आपका जब आपका वायर सेमी इनफाइनाइट होगा, ठीक है, जब वायर क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट होगा, तो ये होगा। अब वो बोलेगा एंगल कितने का होगा, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है ना, वाई बाई एक्स थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये ई वाई और ई एक्स हो गए, और ई वाई और ई एक्स इस केस में बराबर हैं, तो 1 हो गया, और थीटा में 1 कब आता है, जब एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बनेगा, ठीक है, या तक बात समझ में आई। अब जैसे मान लो माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, किधर साइड लेंगे, तो उसके लिए तुम देख लेना, यहाँ पे इस जगह पे देख लेना कि ये वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो ये इसको धक्का देगा तो इधर से 45 डिग्री बना देगा यूं, और निगेटिव होगा तो खींच लेगा तो इधर से 45 डिग्री बना देगा, तो इस वाली लाइन से या तो इधर 45 डिग्री या फिर ये वाली लाइन से इधर 45 डिग्री, यूं 45 या फिर यूं 45, बस इतना ही अंतर आना रहना 45 डिग्री है उसको, ठीक है, तो ये क्लियर हुई बात, तो इतने केस बन गए। अब इतना याद रखना तुमको, भले ही तुम डेरिवेशन याद रखो मत रखो, क्वेश्चन को IIT वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वालों के लिए इतना ही काफ़ी। तो ये लिख लें यहाँ पे चार्ज रॉड के केसेस, पॉज का बटन दबाए लिख लें, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाए लिख लें और नीचे ले रहा हूँ, दबाए पॉज का बटन लिख लें
और नीचे पॉज और नीचे पॉज और नीचे पॉज। चलिए क्लियर हो गया आपको यहां तक। तो अब रॉड के क्वेश्चन हो गए। रॉड में इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह में इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट का कोई मीनिंग नहीं। इनफाइनाइट लोगे तो कॉर्नर कॉर्नर चली जाएगी, जगह नहीं बचेगी, निकालोगे कहाँ। इस वाली में इनफाइनाइट का मीनिंग है ऐसे ऐसे ले लो, यूं रॉड ऐसे ले लो, पॉइंट इधर ले लो, या रॉड यूं ले लो और पॉइंट इधर ले लो, लोएस्ट से 90 डिग्री पर। तो दोनों एक ही जैसे केसेस हैं। तो उसके मैंने क्या क्या केसेस बताए। एक तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नंबर टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा, नंबर थ्री सेमी इनफाइनाइट रॉड, नंबर फोर फाइनाइट इनफाइनाइट रॉड। तो चार तरह के उसके केसेस याद रखना है और एंगल याद रखना सभी का। टेन थीटा इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स विथ ई एक्स। चलिए अब अपन इसको कर चुके हैं इतना, अब अगली क्लास में करेंगे। जब तक आप एक फॉर्मूले की कॉपी भी बना लें और फॉर्मूले की कॉपी बना के याद कर लें सारे फॉर्मूले और ये लिखते जाएं, जैसे अभी लास्ट में लिखा है ना मैंने, ऐसे लिखते जाएं, उसके डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं इस कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।